हाय गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी गाड़ी लाया हूँ, इतनी किफ़ायती, जो पेट्रोल प्लस सीएनजी में दोनों है, और एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है ये गाड़ी, और अच्छा खासा माइलेज निकाल देती है। और इस गाड़ी पुश बटन स्टार्ट के साथ आती है, टॉप मॉडल आती है, अलॉय व्हील में आती है, सीएनजी में आती है, अच्छा बूट स्पेस आपको मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। तो आज इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, ये गाड़ी कौन सी है, आइए आपको हम दिखाते हैं इस गाड़ी के बारे में, और पूरा ओनरशिप रिव्यू इस कार के बारे में लेते हैं। तो दोस्तों, ये कार हो जिसके बारे में बात कर रहा था आपसे, ये गाड़ी है टाटा टिगोर सीएनजी, कुछ इस टाइप से दिखती है। टाटा ने मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर के कंपैरिजन में इस कार को निकाला है, सेडान में सीएनजी के साथ में इस गाड़ी को निकाला है, और काफ़ी बेहद ही खूबसूरत गाड़ी दिखने से लगती है, बेहतरीन लुक निकाल के देती है और बेहतरीन माइलेज निकाल के देती है। बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से परेशान होकर लोग इस गाड़ी पे बिल्कुल जा रहे हैं। इस गाड़ी में आपको सब कुछ, सारे फीचर्स जो टॉप मॉडल में आते हैं, सब कुछ मिलते हैं। 14 इंच के टायर, अलॉय व्हील्स, प्रोजेक्टर हेड लैंप्स, DRLs, एयरबैग, सब कुछ, 1.2 लीटर का रियोट्रॉन का पेट्रोल इंजन, सीएनजी विथ बूट स्पेस भी आपको मिल जाता है, ऊपर सार्फिन एंटीना भी आपको मिल जाता है, और कंपनी ने हार्मन का म्यूजिक सिस्टम भी इसमें गाड़ी में दे रखा है। पीछे टिगोर की बैजिंग मिल जाती है आपको, ऊपर वोकल फॉर लोकल की बैजिंग और सीएनजी की बैजिंग मिल जाती है, टाटा का लोगो मिल जाता है, और पीछे आपको साइड आई सीएनजी की बैजिंग मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर मिल जाती है, और रिफ्लेक्टर भी पीछे मिल जाते हैं। एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी में ऊपर आपको डिफोगर मिल जाता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी में, मतलब इस प्राइस रेंज में क्रोम के साथ गाड़ी आती है, क्रोम का भी काम इसमें कंपनी ने किया हुआ, कीलेस एंट्रीज गाड़ी में आती है। तो कितना या मारुति स्विफ्ट डिजायर इससे कंपैरिजन में आती है, सीएनजी में हुंडई की और आती है इसके सीएनजी में कंपैरिजन में सेडान में, तो ये गाड़ी किन किन गाड़ियों को बीट करती है हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या हुंडई और सीएनजी से बेस्ट है या स्विफ्ट डिजायर से बेस्ट है, कौन सी गाड़ी अगर आप सीएनजी सेडान में लेना चाहते हैं तो आपको कौन सी कार चूज करना आसान रहेगा, और किस गाड़ी को लेने से आप फायदे में रहेंगे, क्या माइलेज निकालती है हुंडई और सीएनजी, क्या माइलेज है मारुति स्विफ्ट डिजायर सीएनजी, क्या माइलेज है, और तीनों में क्या कंपैरिजन है, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहले आप एक बार वॉक अराउंड देख लीजिए इस कार का, फिर फ्रंट से इस गाड़ी के बारे में आपको हम बताते हैं, इस गाड़ी में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शन मिले हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं फ्रंट से इस गाड़ी का। तो इस गाड़ी में क्या क्या है, तो फ्रंट की बात करें टाटा का लोगो मिल जाता है आपको, और सामने से नॉर्मल प्रोजेक्टर आपको अच्छा खासा प्रोजेक्टर, यानी कि हाई लोबी में प्रोजेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर साइड इंडिकेटर्स मिल जाता है आपको, नीचे DRLs आपको यहाँ पे मिल जाता है, नीचे फॉग लैंप मिल जाता है, और सुपर क्रोम का फिनिशिंग किया हुआ है। सबसे बड़ी बात इस कार में यह है कि आपको पूरे इस साइड से लेके पूरा इस साइड तक क्रोम का काम टाटा वालों ने किया है, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी में गाड़ी को निकाला है। नो डाउट किसी को भी टाटा की बिल्ड क्वालिटी पर शक नहीं होता है। आप आगे से देखिए, बम्फर भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी का उन्होंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे देखिए एरो डायनामिक जो है रेंज इन्होंने दिया हुआ है, इस पर भी स्टील का काम किया हुआ है, जो काफ़ी बेहतरीन लुक निकाल के देता है। फ्रेंड्स, बात करें टायर प्रोफाइल का, तो आपको 14 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, डायमंड कट में अलॉय व्हील मिलते हैं, और इसमें टाटा का लोगो आपको मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और रियर में ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, गुडियर्स के टायर उन्होंने दिया हुआ है। साइड इंडिकेटर्स की बात करें तो ये भी आपको RPMs पे साइड इंडिकेटर्स दिया हुआ है उन्होंने, जो कि आपको ब्लिंक करते हुए नजर आएगा, और इंडिकेटर्स पे भी, सॉरी इसको ये देखिए, ब्लैक पियानो फिनिशिंग का काम किया हुआ है, और कंपनी ने क्रोम का भी काम इस गाड़ी में पूरा करके दिया है। फ्रेंड्स, ऊपर आपको सार्फिन एंटीना मिल जाता है, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, और अच्छी बिल्ड क्वालिटी में आती है। आपको यहाँ से आप फ्यूल इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें रियर्स के, तो आपको LEDs यहाँ पे मिल जाती हैं, और पीछे भी क्रोम का उन्होंने काम किया हुआ है, टिगोर की बैजिंग मिल जाती है, इधर ICNG की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है, आपको डिफोगर मिल जाता है टॉप में, और हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिल जाते हैं आपको, सीएनजी वोकल फॉर लोकल की बैजिंग मिल जाती है। तो अभी ये हुआ इसका, और आइए इनके ओनर से मिलाते हैं और पूछते हैं कि इन्होंने ये कार ही क्यों चूज किया। फ्रेंड्स, तो आइए, स्वागत है आपका। तो मिलवाते हैं गाड़ी के ओनर से, वो कितने खुश हैं इस कार को लेकर, उनसे मिलते हैं और जानते हैं गाड़ी के बारे में कि कैसे इन्होंने जो है टाटा की टिगोर परचेस किया और कितने में इन्होंने कार को लिया। आइए सर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल काशी कार लवर पे। तो बताइए, आपने ये कार कब परचेस किया? ये मुझे अभी 7 से 8 दिन हुआ है मुझे अभी गाड़ी लिए हुए। अच्छा, इससे पहले मेरे पास i20 था। हाँ। और i20 मेरा गाड़ी काफ़ी पुराना हो गया, मेरे पापा उसको चलाए थे पहले, उसके बाद फिर मैंने 2-3 साल उसको चलाया। कौन सी मॉडल थी वो? मेरा वो 2014 मॉडल था। 14 मॉडल डीजल थी? यस डीजल। 1.4 थी? 1.4। तो उसमें तो काफ़ी अच्छा पिकअप आता है, दबा के पिकअप अच्छा आता है, नो डाउट, लेकिन मुझे 1.2 मुझे लोकल के लिए चलना था, तो 1.2 इसमें सफिशियंट। हाँ। अच्छा, तो उसके कंपेरिजन में इसमें पावर में कितना अंतर आपको आ रहा है? पावर में ज़्यादा अंतर तो नहीं है, बट
19-20 का अंतर तो दिखेगा, क्योंकि 1.4 और 1.2 तो अंतर तो दिखेगा सीधी सी बात है। और मुझे सीएनजी चाहिए था तो अच्छा मैं इसकी तरफ गया। तो सीएनजी लेने से पहले आपने और कौन कौन सी गाड़ियां सर्च किया था? मैंने हुंडई का ऑरा देखा था, मारुति का डिजायर देखा था, सीएनजी वाले सीएनजी वाला, और बस यही दो गाड़ी मैंने उन देखा दोनों गाड़ियों से। हाँ, सबसे बड़ा जो मुझे अंतर लगा उसका बिल्ड क्वालिटी, चाहे वो आप डिजायर की बात कर लीजिए चाहे आप ऑरा की बात कर लीजिए, दोनों का एकदम पुअर बिल्ड क्वालिटी था, पुअर जिसको बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने इसमें एक बार बैठा तो मुझे फील आया इसका बिल्ड क्वालिटी भी अच्छा है, लग्जीरियस भी लग रहा है। लेकिन हाँ, i20 जो मेरा था वो हुंडई की गाड़ी का तो आपको पता ही है कि लग्जीरियस फील आता है बैठने के बाद, इंजन की आवाज़ भी अंदर नहीं आती है इसमें, थोड़ा सा आप फील करेंगे इंजन की आवाज़ आती है। वैसे तो क्या क्या फीचर्स इस कार में मिल गए आपको? मोस्टली मतलब कि मुझे सीएनजी चाहिए था, सीएनजी मेरे को मिला सबसे पहली बात। दूसरा आप अंदर की तरफ आएंगे इंटीरियर में आपको डिस्प्ले मिलेगा, स्क्रीन मिलेगा, सॉरी 4 इंच का हरमन का स्क्रीन है। तो बताइए फीचर्स क्या क्या मिले आपको? फीचर्स की बात करें तो मुझे इसमें हरमन का म्यूजिक सिस्टम मिला है, और मेरे पास इसमें बैक कैमरा हो गया, ठीक है, और पुश स्टार्ट बटन है, सेंसर्स हैं, बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं जो इस गाड़ी में सब अवेलेबल है। और पावर भी सफिशिएंट है, कोई कमी पावर की नहीं, 1.2 लीटर का नहीं होता है कि आप सीएनजी चला रहे हैं, डीजल चला रहे हैं या पेट्रोल चला रहे हैं, तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, आप सीएनजी से भी चला सकते हैं और पेट्रोल से भी चला सकते हैं। बिल्कुल, क्या माइलेज निकाल के दे रही है आपको? माइलेज लगभग 25-26 का, मेरे को अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि 25-26 का सीएनजी में आराम से निकल रहा है। अभी तो 1000 के आसपास चली हुई है, 1200 के आसपास अभी चलेगी, 5-10 हज़ार तो और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अच्छा, और पेट्रोल में क्या माइलेज दे रही है? पेट्रोल में नियर अबाउट 17-18 का एवरेज आ रहा है, 17-18 का। तो इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ अच्छा है माइलेज गाड़ी निकाल ली है। निकाल तो क्या कितने पैसे में लिया आपने कार? ये मैंने 9,62,000 में मैंने ये ऑन रोड विथ एसेसरीज, विद एसेसरीज सब कुछ लेके। यस, अच्छा, तो इसी प्राइस रेंज में टॉप मॉडल हुंडई और भी आती होगी या सब डिजायर भी सब इसी प्राइस रेंज में? हाँ, लगभग इसी प्राइस में, डिजायर थोड़ा सा ऊपर जाता है, और ऑरा की बात करें तो 20-30 हज़ार रुपये से कम का है ऑन रोड। हाँ, वो लगभग 9.40 के आसपास मुझे मिल रहा था ऑरा, लेकिन मुझे ऑरा नहीं चाहिए था क्योंकि उसका बिल्ड क्वालिटी एक नंबर नहीं, वो तो मैंने चलाया, उसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी गड़बड़ है। तो फ्रेंड्स ये हो गया, और चलिए इसके अंदर चलते हैं, कितना इसमें स्पेस मिल जाता है आपको मैं बताता हूँ। और इसमें इसकी जो की है फ्रेंड्स, इस टाइप से की मिलती है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी की नहीं मिलता, कीलेस एंट्री है, की को अपने पास रखना है आपको, और जैसे यहाँ पर जाएंगे आप, एक यहाँ छोटा सा बटन दिया रहता है, इसको पुश करना है, और ये देखिए ये अभी गाड़ी लॉक थी, अनलॉक हुआ है अब, सॉरी गाड़ी अनलॉक थी, लॉक हो गई, अभी फिर इसको पुश करेंगे हम, ये गाड़ी अनलॉक हो गई, ऑटोमेटिक से RPM खुल जाते हैं, और हमें इसको पुश करना है। और मैं गेट से बात करूँ टाटा टिगोर CNG की, तो गेट में बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने नहीं किया है, बस चारों पावर विंडो दे दिया है, लॉक अनलॉक का फीचर दे दिया है। और इस गाड़ी में सबसे बड़ी बात है कि वही टाटा हुंडई सेंट्रो वाली पुरानी वाली मारुति 800 वाली, इन्होंने फीलिंग दे दिया है जो कि लॉक अनलॉक का ए वाला सिस्टम है। हाँ, काफ़ी ओल्ड वाला दिया है, बट बहुत ही प्रैक्टिकल ये चीज़ होता है, इसको आसानी से आप जो है जब गाड़ी ख़राब होती है इसको रिपेयर कर सकते हैं। नीचे नॉर्मल कोई भी आपको बोटल वाटर नहीं मिलता है, सब न्यूज़पेपर आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग दिया हुआ है, इस पे ब्लैक पियानो दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ कपड़ा उन्होंने लगाया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे साउंड सिस्टम दिया हुआ है, और बात करें सीट्स की, तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी थाई सपोर्ट इसमें मिल जाता है जो कि लॉन्ग जर्नी में आपको काफ़ी सारा सपोर्ट करेगा। यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी दिए रखा है इन्होंने, और उन्होंने 7D mat आफ्टर मार्केट लगवाया है, लगभग इसका 3500 ना, यस 3500 की 7D mat लगाया है। और चलते अंदर बैठते हैं, अंदर का दिखाते हैं फीचर्स क्या क्या इस गाड़ी में दिया हुआ है। तो कुछ इस टाइप से जो है दिखती है गाड़ी, और गाड़ी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आपका क्लस्टर मीटर कुछ इस टाइप से इतना यूनिक इस गाड़ी का दिखता है, जो काफ़ी ही बेहतर लगता है। CNG मोड एक्टिवेटेड है इसमें है, और 1378 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, और स्टेयरिंग पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, म्यूट का मिल जाता है कंट्रोल्स, और यहाँ पे वॉइस कमांड का मिल जाता है, सॉरी ब्लूटूथ का मिल जाता है, प्लस डाउन का मिल जाता है यहाँ से। 7 मिनट और मैं आपको दिखा दूँ क्लस्टर मीटर का मोड्स, तो यहाँ से है। अच्छा, माइलेज शो करता है इसमें माइलेज? यस, पेट्रोल का, CNG का नहीं शो करेगा? तो इससे पेट्रोल का ही माइलेज शो करता है, CNG का माइलेज नहीं शो करता है। तो अगर मैं एक्सलेटर पुश करूँ तो ये देखिए RPM मीटर ऐसे बढ़ता है, इसका RPM मीटर बढ़ रहा है, फ्यूल का वहाँ पे दे रखा है इन्होंने, तो
तो पूरा ही डिजिटली क्लस्टर मीटर दिया है। यहाँ पे टाटा का लोगो मिल जाता है, स्टेयरिंग काफ़ी हैवी है, जैसे आप चलाने में आपका काफ़ी हैवी फील होगा। यहाँ पे आपको जो क्रोम का फिनिशिंग दिया है, सीवेंट पे भी दे रखा है इन्होंने, यहाँ पे ट्विटर दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात है कि हरमन का म्यूजिक सिस्टम 7 इंच का मिल जाता है, जिसमें अच्छी क्वालिटी है कि आपको बैक कैमरा भी अच्छी क्वालिटी का बैक कैमरा मिल जाता है। और टिल्ट स्टेयरिंग साथ, जैसे हम स्टेयरिंग को काटेंगे, आप देखिए कैमरे के मतलब वो भी काटेगा कि स्टेयरिंग टायर का कहाँ कहाँ टायर जाएगा वो भी दिखाएगा, देखिए। तो कुछ इस फीचर्स के साथ आती है टाटा टियागो, और सारे फीचर्स 9.5 लाख में इन्होंने दे दिया है। ऑटोमेटिक एसी मिल जाती है यहाँ पे। इसकी लाइट क्यों नहीं जल रही है? सॉरी, इसमें भी कोई लाइटिंग नहीं है, ऑटो एसी दिया हुआ है इन्होंने। और नीचे आपको यूएसबी का पोर्ट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आप मोबाइल वगैरह कुछ कोई सामान रख सकते हो। और यहाँ पे एक बीच वाटर होटर मिल जाता है, कोई भी आर्मरेस्ट इसमें नहीं मिलता है। यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है फ्रेंड्स। 2 डबल एयरबैग्स आ जाते हैं। ऊपर बात करें तो इधर कोई भी मिरर, सॉरी इसमें भी मिरर इन्होंने दे रखा है, इस पर भी मिरर है। और यहाँ पे माइक भी इन्होंने दिया हुआ है। और इधर बात करें तो SRS के एयरबैग, इधर भी आपको मिरर्स दिया हुआ है। और केबिन लाइट उन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जो काफ़ी ही यूनिक है। और रियर्स की बात करें तो रियर में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, बैठ के मैं दिखाता हूँ रियर में कितने स्पेस गाड़ी में मिल जाता है फ्रेंड्स। मेरे हाइट के अनुसार जो है, सीट जो है एडजस्ट है, और मेरी हाइट लगभग 5 फुट 11 इंच है, तो मेरे हाइट के अनुसार काफ़ी अच्छा रियर सीट है। और हेडरूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, लेगरूम भी ठीक ठाक मिल जाता है सीएनजी के साथ साथ गाड़ी के साथ। और मेरे हिसाब से एडल्ट 2 और 1 बच्चे आराम से गाड़ी में आ जाएंगे। और लॉन्ग जर्नी में आपको हेडरेस्ट भी अच्छा दिया हुआ है, सीट काफ़ी कम्फर्टेबल है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग है जो कमर को और पैर को अच्छे से बांध के रख रही है, और लॉन्ग जर्नी में काफ़ी आपको आराम देगी। गाड़ी की विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो आइए खोलते हैं इसका। और यहाँ पे भी गेट वे टूटर इन्होंने, सेकंड गेट भी टूटर दे रखा है। यहाँ पे क्रोम का फिनिशिंग दिया हुआ है, यहाँ पे एक वाटर होल्डर दे रखा है, और पावर विंडो का यहाँ पे स्विच दिया हुआ है। और आइए खोलते हैं उसका बूट स्पेस दिखाते हैं सीएनजी के लगने के बाद कितना इसका बूट स्पेस बचा। तो फ्रेंड्स आप ये देख लीजिए कि सीएनजी ये है, और मुझे लगता है 14 किलो सीएनजी इसमें दिया हुआ है। उसके बाद भी आप आराम से अपना 2 ठो कैरी बैग आराम से रख सकते हैं, इसके नीचे भी सारा सामान, बहुत सारा सामान आप रख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इतना सब कुछ अच्छा इसमें है। और यहाँ पे भी आपको स्विच कुछ असिस कर दिया हुआ है, और ऊपर केबिन लाइट दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और आप 2 बैग आराम से, और एक ट्रॉली बैग भी आराम से आपका बड़ा वाला साइज आ जाएगा। और पीछे की बात करें तो इसमें कोई भी इंसुलेशन नहीं दिया हुआ है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी में इन्होंने दिया हुआ है। बट इस पर टाटा वालों को एक जो है पेपर देना चाहिए था, है कि नहीं? वायरिंग सारी दिख रही है। आइए गाड़ी भी चला के ड्राइव लेते हैं और देखते हैं चलाने में गाड़ी कैसी है। इस कार को उठाते हैं और एक नंबर में डाला हूँ, गाड़ी सीएनजी में है और बिना एक्सेलेटर की कार आराम से उठ जा रही है, और पावर की कोई कमी नहीं लग रही है। मेरे पास भी रिड्स है 1.2 की डीजल, अच्छी खासी पावर निकालती है। उसको मैं जैसे उठाता हूँ बिना एक्सेलेटर के, वैसे ये भी कार उठ जा रही है। कोई भी ऐसा नहीं फील रहा कि मैं पेट्रोल गाड़ी और सीएनजी में चला रहा हूँ। एक नंबर में हल्का सा एक्सेलेटर दबाने पर गाड़ी अच्छी खासी परफॉर्म कर रही है। सस्पेंशन की बात करें तो काफ़ी ट्यूनिंग अच्छी सस्पेंशन की है, गियर भी काफ़ी स्मूथ है, और क्लच भी अच्छा खासा लाइट है, स्टेयरिंग भी लाइट है, तो एक हैवी फील आ रही है। आप हुंडई की ओरा चलाएंगे और स्विफ्ट डिजायर तो थोड़ी सी आपको इससे स्मूथ लग सकती है राइडिंग क्वालिटी, बट जो आपको एक वजन होना चाहिए गाड़ी में, जो बिल्ड क्वालिटी होनी चाहिए, जो फील आनी चाहिए, मैं किसी अच्छी वजन गाड़ी में बैठा हूँ फील नहीं आएगा। इसमें अच्छा फील आ रहा है आपको दबा के। और बात करें एसी की तो एसी बहुत अच्छी कूलिंग कर रही है, एकदम चिल्ड कर दे रही है। और ब्रेक का पैडल थोड़ा सा मुझे हार्ड लग रहा है, बट ब्रेकिंग अच्छी है, अभी गाड़ी नई चली नहीं, हो सकता इसलिए हो। और 3 नंबर में मैं जैसे एक्सेलेटर दाब रहा हूँ वैसे गाड़ी आराम से तुरंत पिकअप ले रही है। ये सामने स्विफ्ट डिजायर जा रही है, पुराने वाली मॉडल, तो हम इसको कार को थोड़ा सा खींचेंगे इधर घुमाने के बाद। 3 नंबर में अगर आप सिटीज में ड्राइव कर रहे हैं तो कोई आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और जो स्टेयरिंग की पुशनिंग है, इस पर दिखाई स्टेयरिंग की पुशनिंग काफ़ी अच्छी स्टेयरिंग की पुशनिंग है, जो आपका लेवल व्यू का लेवल डैशबोर्ड काफ़ी नीचे दिखता है, पूरा रोड का जो व्यू प्रेजेंट है बहुत अच्छा दिखता है, और जो मिरर्स है काफ़ी दूर है तो इससे विजिबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है, और गाड़ी चलाने में बहुत अच्छी लग रही है। डैशबोर्ड अगर ऊंचा रहता तो फिर विजिबिलिटी कम हो जाती है फ्रेंड्स। अभी 3 नंबर 4 नंबर में देखता हूँ सीएनजी में क्या पावर इसमें निकल के आ रहा है, तो पावर ठीक है, कोई भी कमी नहीं भाई। एवरेज लोग तो थोड़ा सा आप डीजल 1.4 या 1.5 किसी भी गाड़ी चलाएंगे तो थोड़ा सा आपको 19-20 लगेगा, बट 25 की माइलेज के साथ, और ब्रेकिंग सिस्टम भी अच्छी है, जुड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा पैकेज है गाड़ी का, हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा खाली रोड मिला, अभी खींचते हैं गाड़ी को,
तीन नंबर में है, चार नंबर में थोड़ा सा इंजन की आवाज आ रही है, बट ये आवाज अच्छा लगता है। बहुत हल्का सा लेक कर रही गाड़ी पिकअप में चार नंबर में, बट ये हैबिट कोई इशू नहीं होने वाला है। अभी 70 पे चली गए, ब्रेक टेस्ट करते हैं। ब्रेकिंग भी अच्छी है इस गाड़ी की, और टर्निंग रेडियस की बात करें तो टर्निंग रेडियस भी काफी अच्छा, तीन नंबर में गाड़ी आराम से उड़ जाती है फ्रेंड्स। तो कुछ है तो फ्रेंड्स ये रहा एक ऑनरशिप रिव्यू। भाई जी की कार है, तो इन्होंने बताया टाटा टिगोर सीएनजी के बारे में। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब चैनल, बिना सब्सक्राइब चैनल को मत जाना, इससे हमें और भी मतलब वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होना पड़ता है हम आपके लिए वीडियो लाएं। तो आप कमेंट में डालना आपको वीडियो कैसा लगा, गाड़ी कैसी लगी, और आपको चूज करने में हुंडई और मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिजायर सीएनजी और इसमें क्या कंपैरिजन है, आपको आसानी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जय हिंद जय भारत।